जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज आपको बहुत बड़ा एक होली पोस्टर बताऊंगा। तो दोस्तों शुरू करता हूँ, आपको एक बैकग्राउंड ले लेना है। एट फोटो में जाकर मैं एट फोटो में जाता हूँ। ये दोस्तों मैंने बैकग्राउंड ले लिया। अब बैकग्राउंड लेने के बाद इसको मैं ऐसा करके जूम कर लेता हूँ। ये जूम करने के बाद आपको राइट के निशान पर क्लिक कर देना है। ये क्लिक करने के बाद आपको नीचे रोटेट करना है और ड्रो में चले जाना है। ड्रो में जाने के बाद आपको क्या करना है, ऊपर से तीसरे नंबर पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको ये वाला ऑप्शन ले लेना है और फिर जो स्टॉक है इसको फिल्म में कन्वर्ट कर देना, ओके कर देना। अब इसका कलर चेंज करना है, यहाँ पर जाएंगे कलर में ऑप्शन में, तो यहाँ पर रेड वाला है और रेड के साथ क्लिक करना है। इतना हो जाने के बाद आपको इस तरह से रोटेट करना है, बस हो चुका है दोस्तों, और रेड के साथ क्लिक कर देना है। इतना क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, अब स्टार्ट होता है हमारी फ़ोटो एड करने का। तो फोटो जिस तरह से एड करते हुए मैं बता देता हूँ, तो आपने पहले जो भी दोस्तों की फ़ोटो रहेगी वो ऐड कर लेना। तो मैं ऐड करता हूँ, सभी फ़ोटो ले लेता हूँ। ये दोस्तों मैंने फ़ोटो ले ली और फ़ोटो के बाद में इनको एडजस्ट करके लगा देता हूँ फटाफट। तो देखिए फटाफट लगा देता हूँ। तो दोस्तों मैंने फ़ोटो लगा ली है। अब फोटो लगाने के बाद आपको यहाँ पर प्लस का आइकन दिख रहा है, ये ले लेते हैं प्लस में, और यहाँ पर एट फोटो का ऑप्शन आ रहा है, एट फोटो ले लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने फ़ोटो ले ली। अब फोटो लेने के बाद मैं इसको एडजस्ट करके लगा देता हूँ। तो एडजस्ट कर कैसे करना है वो पूरी देख लीजिए, इस तरह से करनी है आपको, और थोड़ा ऊपर कर लेंगे। ये करने के बाद इसी पर क्लिक करना है आपको फोटो पर, और यहाँ पर रेजर का ऑप्शन आ रहा है, रेजर क्लिक कर देना है, और इधर रेजर को इस तरह से आपको साइज को एडजस्ट करना है, और इस तरह से आपको करना है। इतना ज़्यादा नहीं, इतना करने के बाद आपको राइट के साथ भी क्लिक कर देना। इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है मैं बताता हूँ दोस्तों। राइट के साथ क्लिक कर दो आप। इतना हो जाने के बाद आपको पिक्सेबल ऐप में चले जाना है। तो पिक्सेबल ऐप में जाने से पहले मैं इसको एक बॉर्डर दे देता हूँ, ऑरेंज कलर की, हर बार तरह की ये दे देता हूँ। साइज को कम करते हैं थोड़ी, एक ले लेते हैं यहाँ पर ये, और राइट के साथ भी क्लिक कर देंगे। वह इतना हो जाने के बाद आपको ड्रो में जाना है और तीन ड्रो पे क्लिक करना है और उसे सेव कर लेना है। तो दोस्तों हम पिक्सेबल ऐप में जा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम पिक्सेबल ऐप में आ चुके हैं। अब आने के बाद आपको यहाँ पर तीन ड्रो का ऑप्शन मिलेगा, तीन ड्रो पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर एक ऑप्शन आ यूज इमेज फॉर गैलरी पर क्लिक कर दीजिए, और जो हमने पिक्सेल आर्ट में जो वो करा था तो वहीं पर ऑप्शन आ जाएगा रिसेंट टाइम, ऊपर वाली पर क्लिक कर देंगे और ले लेंगे, और राइट के साथ भी क्लिक कर देंगे। इतना हो जाने के बाद आपको क्या लिखना है दोस्तों, आप हमारे जो टेक्स्ट का प्रयोग करेंगे टेक्स्ट लिख लेंगे। तो टेक्स्ट अब लिख देता हूँ मैं क्या, मैंने दोस्तों डन कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। ये दोस्तों लिख लिया मैंने। अब इसके बाद मैं ए वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर कलर ले लूँगा, ये वाला कलर लेना है मेरे को, और राइट कंसर पर क्लिक कर देना है, और फ्रंट से में जाना है रिसेंट में येलो ऑप्शन ले लेना है। ये लेने के बाद इसकी साइज को छोटी करना और यहाँ पर एडजस्ट करके लग देना, फिर जाना डबल फिलिप में डबल टैप करना और फिर लिखना है हिंदी होली पर्व। ये दोस्तों मैंने लिख लिया होली पर्व, डन कर दूंगा, ओके कर दूंगा। ये लिखने के बाद आपको क्या साइज को फुल करना है इस तरह से, और इसके बाद आपको कलर पर जाना है, ये वाला कलर लेना और राइट में क्लिक कर देना है, और फ्रंट से जाऊँगा, और फ्रंट से जाकर रिसेंट तक जाना, और रिसेंट तक जाने के बाद आपको ये वाला ऑप्शन ले लेना है। ये लेने के बाद आपको साइज को फुल करना है इस तरह से। इस तरह से फुल करने के बाद आपको नीचे आना है दोस्तों, और स्टॉक में जाना है, स्टॉक के बाद इनेबल कर देना है, और स्टॉक में ना करने ये वाला ऑप्शन ले लेना, और राइट के साथ भी क्लिक कर देना। ये करने के बाद इसी में भी स्टॉक में जाके इसको भी कलर हम स्टॉक में जाके दे देंगे, तो मैं स्टॉक में जाके दे देता हूँ इस तरह से, तो साइड में क्लिक कर देता हूँ और डबल टैप करूँगा, यहाँ पर न्यू टैक्स करूँगा, लिखूँगा या दोस्तों की हर जगह शुभकामना है, टर्न करना है, ओके कर देना। ये करने के बाद हम जैसे पहले कलर दे रहे थे उसी तरह से कलर देंगे, टर्न कर देंगे, राइट के साथ क्लिक करेंगे, फ्रंट से जाएंगे, रिसेंट से जाएंगे, वाला कलर ले लेंगे, और नीचे आएंगे स्टॉक में जाएंगे, इनेबल करेंगे, फिर वाइट वाला देखेंगे। अब इसको मैं थोड़ा सेव कर देता हूँ अपने हिसाब से, ये थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा इसको इधर ले लेते हैं। क्या जा रहा है दोस्तों, बहुत सरल मैं बताता हूँ, ज़्यादा कठिन नहीं, क्यों अधिकतर बनाने। और फिर दोस्तों मैंने एक वीडियो एक ये भी लाऊंगा कि आपको कभी फ्लेक्स बैनर बनाते नहीं आ रहा हो तो हमें को आपकी फ़ोटो दे दीजिए, मैं आप बना के आपको दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा नीचे हमको कुछ भी लिख लेना है, ये नंबर लिख लेते हैं और डन कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। ये करने के बाद फिर वही हम
कलर, तो कलर सर दोस्तों ये रहेगा फ़ॉन्ट समझाऊंगा रिसेंट में, और ये वाला ले लेंगे और साइज़ छोटी कर देंगे, ज़्यादा छोटी हो गई तो यहाँ से हम फुल साइज कर देंगे। इस तरह से ये कर देंगे दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिए, ऐसे वीडियो आपके लिए मैं लाते रहता हूँ। तो आपको क्या करना है, ये वाले ऑप्शन में जाना हो, सेव टू अस कर लेना है और उसे सेव कर लेना है। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।